नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीके का आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। जीके क्या करता है, आपके एग्जाम में आपके नंबर को इंक्रीज भी कर देते हैं और आपके एग्जाम में नंबर को कम भी कर देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास होगी, केवीएस एग्जाम के लिए एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, आर ओ ए आर ओ का दीजिए या वीडियो का एग्जाम या कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आपके एग्जाम में करंट स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये जो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, कुछ ऑपरेशंस ऐसे जो आपके करंट में चल जा रहे हैं, कुछ आपके स्टैटिक जीके के, उनको मिला के इसके दो पार्ट आएंगे। आज के फर्स्ट पार्ट में हम इतने डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सहर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी आप सबके पास टाइम है, यूथ है, युवा है, मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करिए हर हाल में, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो को 1948 में चलाया था हैदराबाद में, जब हम भारत के रियासतों का सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण कर रहे थे। उस टाइम पे हैदराबाद का विलय करने के लिए हमने ऑपरेशन पोलो चलाया था। क्लियर हो गया। हैदराबाद आपके मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी, जिन किलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल जो सम्राट था एकदम ताश के पत्तों की तरीके बिखर गया, तो बहुत सारे स्वतंत्र घोषित होने लगे। जैसे बंगाल के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, हैदराबाद में ऐसे विभिन्न प्रकार के निजामों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उसी में आपके चिन किलिच खां भी थे। क्लियर। इसके अलावा हैदराबाद में एक आपका बेगमपेट एयरपोर्ट है। बेगमपेट एयरपोर्ट पर हमने विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया था। इम्पोर्टेंट है, करंट के लिए बहुत मुद्दे में चर्चा पर आया था। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ था, बेगमपेट एयरपोर्ट में। क्लियर हो गया। इतने पॉइंट आपको समझ में आए। मैं एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आपको पढ़े हुए मिलेंगे। ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस पूरी सीरीज की आप वीडियो देख लीजिएगा, आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अलावा गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा की खान कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में चलाया था कराची विजय के लिए, और इस ऑपरेशन को किसने चलाया था, आपकी इंडियन नेवी ने। इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन। सियाचिन आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा युद्ध क्षेत्र है, आप समझिए इस टाइम की ठंडी में हमारा ये हाल है, और हमारे जवान माइनस में हो जाता है टेम्परेचर, तब भी वहां डटे रहते हैं। सलूट है मैं अपने देश की आर्मी को, मतलब हर हाल में अपने कर्तव्य पथ पर डटे होते हैं। हम सबको भी अपने अपने कर्तव्य पथ पर डटना है। देश सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके खड़े हैं, जहाँ पे जिस स्थान पे उस स्थान पे हमें ऐसे काम करने की देश के लिए अच्छा हो, भ्रष्टाचार नहीं करना, अपना काम ईमानदारी से करना है, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, एक अच्छे नागरिक बनना है। अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे टीचर बनना है। सारी चीजें अगर जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं तो हम देश की सेवा ही कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1999 में चलाया गया था कारगिल विजय, और कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस को एक मैं अलग वीडियो में समझा दूंगी, जिसे संविधान संशोधन। इस सीरीज में उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और कई बार आपको लगता है ना जैसे ऑपरेशन से कहां से पढ़े, दिवस से, जैसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए, कौन सा किन अनुसूचित जोड़ा, ऐसे बहुत सारी चीजें इस सीरीज से आपके पूरे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री में जब नेपाल में भूकंप आया था उस टाइम पे ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। अच्छा आप बताइए भूकंप का मापन कैसे हमसे करते हैं, भूकंप का मापन हम करते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा। इसमें कौन सा रिएक्टर स्केल होता है, तो इसमें रिएक्टर स्केल होता है रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। क्लियर हो गया। भूकंप का मापन किस यंत्र से करते हैं, सिस्मोग्राफ से। इसमें कौन सी स्केल होती है, तो रिएक्टर स्केल होती है। क्लियर। इसके अलावा दूध की शुद्धता का मापन कैसे करते हैं, लैक्टोमीटर मीटर के द्वारा। कुछ ऐसे मापन है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, जैसे आपका दाब का मापन कैसे करते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। दाब का मात्रक क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से।
घनत्व का मापन हाइड्रोमीटर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हाइग्रोमीटर अगर पूछ रहा है तो किसका मापन कर रहा है, आर्द्रता का। हाइड्रोमीटर घनत्व का मापन कर रहा है, क्लियर हो गया। दूध का मापन करते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। आप इसका दाब का मापन कैसे करते हैं, बैरोमीटर के द्वारा, क्लियर हो गया। इसके अलावा और विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, आप उन सबकी याद कर लीजिए। अल्टीमीटर से ऊंचाई का मापन करते हैं, एनोमीटर से वायु के वेग का मापन करते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट हमने जम्मू कश्मीर में चलाया था, वहां पे आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। अब इनको कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में ऑल आउट मतलब सबको आउट कर देना, तो किसका करना है, आतंकवादियों को। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जारी किया गया था। ग्रे लिस्ट किस देश को जारी किया गया था और कौन जारी करता है? ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जो आतंकवादियों को क्या करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जारी किया। अब आपको आंसर में कमेंट क्या करना है, कौन सी संस्था है जो ग्रे लिस्ट जारी करती है, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन इंसान है, 2017 में चलाया गया था। रोहिंग्या शरणार्थी, जो विभिन्न प्रकार के रोहिंग्या शरणार्थी है, तो उनके लिए हमने क्या किया था, ऑपरेशन इंसानियत चलाया था। भाई शरणार्थी हो कुछ भी हो, है तो इंसान, तो ऑपरेशन इंसानियत रोहिंग्या शरणार्थी के लिए कब चलाया गया था, 2017 में। भाई साथ आ रहा है, साथ क्या कर भैया, साथ में हमें भी ले लो, मतलब शरण दे दो। तो 2017 में हमने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ऑपरेशन इंसानियत चलाया था, क्लियर हो गया। इसके अलावा जैसे आपका एनआरसी आया था, एनआरसी क्या होता है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होता है। इसके अलावा हमारा सीए आया था, सीए क्या होता है, आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, नागरिकता का जो बिल आया था 1955 में, नागरिकता का एक्ट आता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, कौन कौन से, जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, इसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं, भूमि अर्जन के द्वारा। इन 5 प्रकार से नागरिकता का ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो थोड़ी स्पीड ज्यादा है, आप स्पीड को धीमा कर सकते हैं अगर आपको लगे, कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट देना है, क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया था, उस टाइम पे वहां पे फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। देवी की शक्ति का प्रयोग करके तालिबान के जंगल से हमने अपने भारतीयों को लाए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाए। इसके अच्छा बताइए, आप रूस और यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन अमानत आपका रेलवे चलाता है, जो भी आपका सामान ट्रेन में छूट जाता है ना, वो सामान उपलब्ध कराए, इसके लिए रेलवे ने ऑपरेशन अमानत चलाया। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट चलाता है आपका आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप। इस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस कंफ्यूजन को दूर रखेगा, पहली बार अमानत पूछेगा तो रेलवे चलाता है, अगर आहट पूछेगा तो कौन चलाता है, आरपीएफ चलाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं। आरपीएफ आहट के अंतर्गत क्या क्या क्या, जो विभिन्न प्रकार की तस्करी हो रही थी, मानव अंगों की तस्करी या विभिन्न चीजों की तस्करी, उस तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने किया आहट ऑपरेशन चलाया था। इसके अलावा क्या, ऑपरेशन नेचर, ऑपरेशन नेचर बाल यौन शोषण को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन को चलाया गया था, क्लियर। आपकी इतनी चीज समझ में आ गई, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको पहले किस चीज का अगर चाहिए, जैसे आपके संविधान संशोधन का, संविधान की अनुसूची का महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।